हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ नवरात्रों के लिए बहुत स्पेशल सी सब्जी की रेसिपी। आलू खा के बोर हो गए होंगे तो इस नवरात्र आप बनाइए मखाने की सब्जी, बहुत ही मजेदार और हेल्थी और टेस्टी सी। आइए देखते हैं इस सब्जी को हम किस तरह से बनाते हैं। ये लिए मैंने मखाने जो व्रत में यूज होते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो लिया है एक छोटी कटोरी भर के मखाने। और आपको जितनी सब्जी बनानी हो आप उस हिसाब से उस क्वांटिटी से मखाने ले सकते हैं। आइए सबसे पहले इसको रोस्ट करते हैं। मैंने रख दिया गैस पे कढ़ाई और गैस की फ्लेम कर दी है ऑन। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा देसी घी, घी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसमें डाल देंगे मखाने। ये देखिए मैंने मखाने डाल दिए इसके अंदर और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे क्रिस्पी होने तक। आप चाहे तो बिना घी डाले ही भून सकते हैं या तेल डाल के भून सकते हैं, और घी डाल के भूनने से ना इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। तो इसको हम लगातार भूनेंगे क्रिस्पी होने तक। ये देखिए हमारे मखाने भून के तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब इन सब मखानों को मैं इस बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। ये लिए मैंने दो टमाटर, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का। तो सबसे पहले हमें टमाटर को कट करना है। मैंने टमाटर वॉश कर ली हैं, इनको हम पीसेंगे। तो आपको रफली ही इस तरह से बड़े बड़े ही पीसेस में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसमें जो चीज़ नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं, व्रत की रेसिपी है। पहले भी मैंने काफ़ी तरह की व्रत की रेसिपी शेयर किए जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है, तो आप जाके जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इन सभी चीज़ों को रफली कट कर दिया है। अब लेंगे एक मिक्सर का जार, ये देखिए, और सारी चीज़ें हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसके अंदर सारी चीज़ों को और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसमें डालेंगे काजू भी, जो मैं डालना भूल गई थी तो अब डाल देती हूँ। ये थोड़े से काजू है जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अभी इन सभी चीज़ों को हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको ग्रेवी। तो ग्रेवी देखिए कितनी फाइनली हमारी अच्छे से पीस के तैयार हो गई है। ये देखिए, आइए अब सब्जी बनाते हैं। मैंने रख दी है गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है एक चम्मच देसी घी। व्रत की रेसिपी है तो घी का ही हम यूज करेंगे। अब तड़के में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, एक छोटी इलायची और थोड़े से पीसेस काजू के। तो देखिए इनको सभी को क्रैकल होने देंगे ताकि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखिए जीरा और काजू अच्छे से भून चुका है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर वाली ग्रेवी जो हमने तैयार कर रखी थी। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो व्रत की रेसिपी है तो बहुत ज़्यादा मसालों का इसमें यूज़ नहीं होगा, तो इसमें डालेंगे सिंधा नमक। तो नमक आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। थोड़ी सी इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और इस ग्रेवी को पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक इसमें से घी रिलीज नहीं हो जाता। ये देखिए ग्रेवी में से घी रिलीज हो गया है। इस वक्त हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी घर की फ्रेश दूध की मलाई ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए सब्जी में। तो ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। ये अभी थोड़ी हार्ड होती है पर थोड़ी देर में ये पक जाएगी इसकी घी ग्रेवी के साथ। ये देखिए इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे अपने मखाने जो हमने बॉयल भून के रखे थे। तो ये देखिए मखाने जो है ना इतने अच्छे से क्रिस्पी हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के। ये देखिए इस तरह से आपको फूली अच्छे से इसको क्रिस्प करना था। अब इसमें मिला देंगे हम अपने मखाने और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए मैंने कर दिया इसमें अच्छे से इसको मिक्स। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं डाल दूँ करीबन इसमें आधी कटोरी पानी। ये देखिए इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी इसमें मिक्स। ये देखिए ऐसे। अब इसको मैं ढक दूँगी 2 से 5 मिनट के लिए ताकि हमारे मखाने अच्छे से कुक हो जाए। आइए फिर से मैं दिखाती हूँ आपको सब्जी को। ये देखिए सब्जी कितनी फाइनली अच्छे से कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें से घी भी रिलीज हो गया है। ये देखिए मज़ेदार सी ये सब्जी तैयार हो रही है हमारी व्रत के लिए। इसको आप कुट्टू के पराठा, कुट्टू की पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसमें हम फाइनली मिलाएंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया।
और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, ये टोटल ऑप्शनल। जीरे का जो पाउडर था आप उसी वक्त डाल सकते हैं, पर मैं भूल गई थी तो मैं अब डाल दूँ, तो थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें जीरे का पाउडर। ये देखिए कितनी मजेदार थी हमारे मखाने की सब्जी बनके तैयार हुई है। इस नवरात्रि में आप जरूर इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी ये बनाई हुई मखाने की सब्जी आपको कैसे लगी। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।